इधर हरियाणा में हिट एंड रन का एक बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया है। मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा है, जहां पर एक कार सवार ने होंडा एक्टिवा पर सवार दो युवकों को टक्कर मार दी और उसके बाद गाड़ी के पीछे गिरे युवक को बेरहमी से कुचलकर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत की खबर है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है और हादसे वाली गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी गाड़ी चालक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। शाम को 9:30 का टाइम था, हम रफ्तार बढ़ा के घर की तरफ आ रहे थे। मुझे सर की तरफ वो सब लाल बत्ती है, उससे पहले ही झुग्गियों के पास हम दोनों आ रहे थे। आराम से दोनों भाई बात करते हुए सामने से एक बंदा, जैसे उसने हमें देखा, उसने गाड़ी की स्पीड एकदम अपनी से रफ्तार से दुगनी करके और स्कूटी में इतनी बुरी तरह मारी, बुरी तरह मार के वो रुका भी नहीं वहाँ। उसने बहुत बुरी तरह मारा, देखने के बावजूद भी पूरी कोशिश करके भाई के ऊपर 2-3 बार गाड़ी चढ़ाई है। रोकने के बावजूद भी वहाँ 2-4 बंदे जो खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई रुक जा, वो तब भी नहीं रुका, उसके ऊपर बारम्बार गाड़ी चढ़ाता रहा है। अरे बच्चे को मार दिया जी, कई बार उस पर चढ़ाया, ऊपर नीचे किया, कई बार मार दिया जी, तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। मैं क्या कहूँ आपसे जी, मेरा बच्चा को मार दिया जी। मेरा बच्चा तो एकदम धीरे धीरे अपने उस पर आ रहा था जी, और वो दूसरी गाड़ी वाला इतना उनके सामने से ओवरटेक करके उनके साइड में आकर इतना बुरी तरह मारा। आप बच्चे हमारे गिर गए, गिरने के बाद में हमारे बच्चे के ऊपर 2-3 बारी ऊपर नीचे किया, फिर वहाँ से गया जी, हमारा बच्चा तो मर गया जी, हम क्या करें जब। कि इसमें जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया जाएगा। पहले अरेस्ट अगर हम एक्सीडेंट की धाराओं के अंतर्गत करते, जो चोट लगने की धाराओं में, तो आरोपी की तुरंत बेल हो जाती और उसी मुकदमे में अभी जैसे उसकी डेथ हो गई है उसकी पीड़ित की, तो उसमें फिर लेटर ऑन हमें उसमें दोबारा से उसकी गिरफ्तारी करने में मुश्किल आती है। हम जो न्यायोचित है, जो तर्कसंगत है, जो कानून के अंतर्गत है, उसी के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया का पालन करके उसी के हिसाब से उसकी गिरफ्तारी डालेंगे, ताकि आरोपी को सजा मिल सके।